आज हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री। अब जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हर का अपना एक साइन होता है। जैसे रोड पे हम चलते हैं तो हमारा जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो इंडिकेट करता है। सेम कोई और काम करे, मैप पे कोई काम करते हैं, मैप पे अलग अलग चीजों को इंडिकेट करने के लिए एक साइन लैंग्वेज होता है। सेम अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री टोटल स्टडी है, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो केमिस्ट्री में और एलिमेंट्स एक दूसरे का पूरक है, मतलब एक दूसरे के लिए है। तो एलिमेंट्स हमारे पास टोटल जो हैं वो हैं 118 और इसी से पूरी केमिस्ट्री चल रही है। तो पूरे का जब हम नाम लिखेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हर समय नाम लिखना, बड़ा बड़ा नेमिंग वर्ड्स लिखना, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। और इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स, लेकिन हमारे पास एलिमेंट जो है वो है 118। तो इसलिए एक सिंबल ने दिया, एक जो है सिस्टम दिया गया इसके लिए, जो जॉन जैकोब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस ने दिया था। जे बर्जीलियस ने इसके बारे में डिटेल में अल्फाबेटिकल सिंबल दिया था। उन्होंने कहा था कि यूज करो पहला लेटर, अल्फाबेटिकल यूज जो है उसमें फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हमने H यूज किया, बोरोन के लिए हमने B यूज किया, इसी तरह सल्फर के लिए S यूज किया। तो जनरली जो है पहला अल्फाबेट जो है उस नाम का वो यूज किया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आते गए तो कंफ्यूजन फिर शुरू हो गया। तब उन्होंने क्या किया, एक दूसरा रूल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट अल्फाबेट्स आउट ऑफ द 26 जो है उसमें से, अगर 26 में से यूज हो चुका है तो फर्स्ट और सेकेंड अल्फाबेट, फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट शुड बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, नियोन के लिए एनी, हीलियम के लिए एची, और भी बहुत सारे हैं, कोबाल्ट, बस इसमें यह ध्यान देना है कि जो पहला होगा वो कैपिटल में होगा और जो दूसरा अल्फाबेट होगा वो स्मॉल में लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना होता है। और ये नॉर्मल वही पहला और दूसरा लेंगे, क्योंकि सी जो है ऑलरेडी यूज हो चुका है, सी फॉर कार्बन के लिए यूज हो चुका है, अब कोबाल्ट आ गया उसके बाद, तो इसीलिए सीओ यूज किया गया, लेकिन सी कैपिटल लेंगे और ओ स्मॉल लेंगे। वो इसलिए ओ स्मॉल लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के लिए वो यूज हो गया, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि कोबाल्ट जो है एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है, इसमें सी और ओ है। सेम इज फॉर द क्रोमियम ऑल्सो, क्रोमियम के केस में क्या होता है कि इसमें सी आर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल नेमिंग था, जब इससे भी काम नहीं चला, देर आर सम स्पेशल नेमिंग which is taken from Latin words of the element, words of the elements, जैसे these are important, जो कि आपको थोड़ा कई बार confusion पैदा करते हैं। जैसे iron जो है,
आयरन में का एक्चुअल में लैटिन में नेम होता है फेरियम और इसका सिंबल जो है वो Fe है। सेम फॉर कॉपर के लिए, कॉपर के लिए क्या है कि कॉपर के लिए इसका नाम है क्यूपिडम और इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा Cu, क्योंकि Co ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब इसके अलावा सोडियम, सोडियम जो है इसका लैटिन नेम है वो है नेटेरियम और इसीलिए इसके लिए हम यूज करते हैं Na। इसके अलावा पोटेशियम, इसका होता है कैलियम जिसके लिए हम यूज करते हैं K। इसके अलावा ऑरियम, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है ऑरियम जिसके लिए Au। उल्फ्रम ये यूज होता है टंगस्टन के लिए, टन के लिए उल्फ्रम, इसके लिए W यूज करते हैं। एंटीमनी, एंटीमनी इसके लिए यूज होता है स्टीबियम, स्टीबियम और इसके लिए Sb। तो कुछ और भी होंगे, 14-15 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें जिसका कि उसके लैटिन नेमिंग के पहले या पहले और दूसरे सिंबल्स को यूज किया गया है। और इस तरह से अगर आप इन तीनों को सेगमेंटेशन कर देंगे कि पहला अल्फाबेट कहाँ यूज किया गया है, पहला और दूसरा कहाँ यूज किया गया है और लैटिन वर्ड से किया गया है, तो तीनों को 118 एलिमेंट्स को आप कैटेगराइज कर लें। और जैसे छोटे बच्चे ABCD में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इसी तरह H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और बड़ा ही सिंपल सा है और ये एक एटम को बताता है।